चंडीगढ़ पुलिस एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस विवाद का कनेक्शन भी चंडीगढ़ पुलिस के उसी सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट से जुड़ा हुआ है, जो हाल ही में नौकरी से बर्खास्त होने के बाद दोबारा नौकरी पर लौटा है। आरोपी एसआई नवीन फोगाट और उसके साथी पुलिस कर्मियों पर बठिंडा के कारोबारी संजय गोयल से 1 करोड़ रुपए की लूट के आरोप लगे हैं। चंडीगढ़ पुलिस विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने नवीन फोगाट और अन्य पुलिस कर्मियों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामला सेक्टर 39 पुलिस थाने से जुड़ा हुआ है, जहां के एडिशनल एसएचओ की जिम्मेदारी एसआई नवीन फोगाट ही संभाल रहे हैं। नवीन और उसके अन्य साथी पुलिसकर्मियों पर वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम देने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले की जांच डीएसपी चरणजीत सिंह को सौंप दी गई है और एसएसपी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। कंप्लेनेंट का नाम है संजय गोयल, गणेश नगर बठिंडा के रहने वाले हैं। ये 5 तरीक न शाम को साढ़े को आते हैं, तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट से दसिया कि 4 तरीक तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख का अमाउंट से इन्होंने को चंडीगढ़ किसी अपने कामकाज के सिलसिले से अमाउंट लेके आ रहे थे। एक सर्वेश दाम के बंदे इन्होंने गल हुई, जिन्हें इन्हों की करंसी एक्सचेंज का कुछ काम से उन्होंने करके देनी सी। सर्वेश ने अगे एक जतिंदर नाम के बंदे नाल इन्हां दा राबता कराया, जो एरो सिटी मोहाली च जिहदी एक ट्रैवल एजेंसी कोई इस तरह की इमीग्रेशन कंपनी चल रही है। जतिंदर कोले पहले जाते हैं, संजय गोयल उनका ड्राइवर बठिंडे तो चल के आंदा है। पहले जतिंदर कोल ये अपना एरो सिटी जाते हैं। एरो सिटी तो जतिंदर ते दो अणपछाते बंदे मर्सडीज़ उतों इनू लेके 40 सैक्टर की मार्केट लेके आते हैं।